को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पुत्री से मिलने आए युवक की पिता ने की हत्या, वारदात के कुछ घंटे बाद ही आरोपी गिरफ्तार। अनाचार के मामले में जेल से छूटे एक युवक का पुत्री के साथ मिलना पिता को इतना नागवार गुजरा कि पिता ने लाठी से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। मामला बालको थाना क्षेत्र के परसाभाटा इलाके का है, जहां बीती रात करीब 8 बजे घटना सामने आई। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बालको थाना क्षेत्र के परसभाटा इलाके में हत्या की एक वारदात सामने आई है, जहां रसीद खान नामक व्यक्ति ने 23 वर्षीय युवक विक्रम दास महान के सिर पर लाठी से हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक लक्ष्मी दास महान अनाचार के मामले में पिछले एक साल से जेल में है। वहां भरपूर वही वह जमानत पर रिहा हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक बीती परसाभाटा स्थित अपने नाना के घर पहुंचा। नाना के घर के पास ही एक युवती रहती है, जिससे विक्रम की पहचान थी। नाना के घर पहुंचने के बाद वह युवती से मिलने जहां पिता की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद युवती के पिता रसीद खान ने लाठी से उसकी जमकर पिटाई कर अधमरा कर दिया। डायलेक्स 12 की सहायता से उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक कोरबा आने के बाद रायगढ़ में कमाने के लिए चला गया था। पेशी के लिए वह कोरबा आया हुआ था, लेकिन उसके परिवार को क्या पता था कि कोरबा आगमन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहरहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। यह जो है बालको क्षेत्र अंतर्गत हत्या का मामला है, जिसमें मृतक है विक्रम दास महंत, जो कि एक साल तक एक प्रकरण में जेल में अवरुद्ध था और एक महीना पहले ही ये जो है जमानत पर रिहा होकर आया हुआ था। इसका पुराना घर जो है परसाभाटा में है, यहीं पर ये जो है अपने पुराने घर में आया हुआ था, दोस्तों यारों के साथ वहीं पर रुका था और रात के लगभग 8 बजे ये अलाव जला करके वहाँ पर आग ताप रहे थे ठंड की वजह से। इसी दौरान जो है पुराने रंजिश को लेकर के रशीद मोहम्मद खान है, जो कि जिनके परिजन के साथ और इनके बीच में आपसी जो है आपराधिक प्रकरण को लेकर ये जेल में अवरुद्ध था, इसी पुरानी रंजिश को लेकर रशीद मोहम्मद खान जो है इनके साथ जो है एक डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, प्राणघात तक हमला किया जो है। इसके वजह से ये इनके सिर पर चोट आने से ये लहूलुहान हो गया था। इसकी सूचना बालको थाना को प्राप्त हुई, तत्काल ही बालको थाना के स्टाफ वहाँ पर पहुँचे और साथ ही 112 भी गई थी। 112 के माध्यम से इनको जो है जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, परंतु वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। सर, इनके पुराने दोस्तों ने भी थे क्या? इनके जो परिजन हैं उनके जो है इनके विरुद्ध जो है मृतक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण चल रहा था। इसी बात को लेकर के जो है रशीद मोहम्मद खान के बीच में आपसी रंजिश था और उस दिन ये मौके फिराक में था, क्योंकि जो मृतक उनके घर के बगल में ही रहता था, वहाँ पर उनका पुराना घर है जिसको देखने गया हुआ था और इस दौरान इनको मौका मिला और ये जो है प्राणघातक हमला करने के आशय से ही घर से निकला था डंडा लेकर के और वहाँ पर जो अलाव ताप रहे थे उसी दौरान इन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इसी दौरान जो है गंभीर रूप से घायल जो मृतक है वो जो है घायल हो गया था, जिसकी सूचना बालको स्टाफ को मिली थी। इसके साथ और कोई भी शामिल था सर? नहीं, ये अकेला है।